इस सुंदर प्रस्तुति के पश्चात अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की लीला के सूत्रधार श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी को कि वो आज की लीला के संदर्भ में सूक्ष्म एवं सार गर्भित शब्दों में हम सभी का ज्ञान वर्धन यहाँ पर करेंगे। आमंत्रित करता हूँ श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र जी। आज पुनः हम समस्त ग्रामवासी भगवान राम के अनुष्ठान के द्वितीय दिन की रामलीला मंचन को देखने के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। एक बार मैं प्रभु श्री राम से समस्त देवी देवताओं से हम सभी भक्तगणों के सुखद सफल और उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हम आज की रामलीला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने देखा विश्व कल्याणार्थ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हो चुका है। जन्म लेते ही प्रभु श्री राम ने अपना चतुर्भुज अवतार माता कौशल्या जी को दिखा दिया था। आज की लीला से पूर्व कुल पवित्र जननी किरदार था वसुंधरा भाग्यवती धन्या स्वर्गा स्थिता पितरोपि धन्या देशा कुले वैष्णव नाम देय। कल जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ उससे दशरथ के कुल का ही नहीं समस्त जग का कल्याण हुआ और समस्त भूधरा इन जन्मों से कृतार्थ हुई। कल हमने भगवान श्री राम के गुप्त रूप का वर्णन किया था लेकिन आज थोड़ा हृदय विचारक जात हर कहीं भी निदर्शन हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। कल हमने गुप्त रूप के विषय में कहा था लेकिन जैसे ही जन्म हुआ जान गए सबको। कौन जाना? जो विद्वान लोग हैं ऋषि मुनिगण हैं तपस्वी हैं साधु हैं भगवान की भक्ति करते हैं वो समस्त लोग जान चुके हैं कि इस भूधरा पर प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया है। इसीलिए समस्त देवी देवतागण यहां तक कि शिव शंकर भी बार बार उद्यत होते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। लेकिन फिर वही गुप्तता को बनाए रखने के लिए अपने आप को इन्हें रोकना होता है। आज की रामलीला का प्रारंभ जनक के दरबार में मंत्रा चल रही होती है। जनक अपने राज्य की कुशल क्षेम प्रजा की कुशल क्षेम पूछ रहे होते हैं। तभी कुछ प्रजाजन अवसर के कारण अकाल की स्थिति है राज्य में प्रजाजन आते हैं महाराज जनक के दरबार में और गुहार लगाते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए अवसर के कारण राज्य में अकाल की स्थिति है।
राजा जनक अपने कुलगुरु सतानंद से पूछते हैं। सतानंद पंचांग देखकर इस वर्ष वर्षा के आसार तो हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय की आवश्यकता है। राजा और रानी को मिलकर सोने का हल चलाना होगा। राजा और रानी अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। राजा रानी द्वारा सोने का हल चलाया जाता है। हल की एक चीर पर एक घड़ा टकराता है, उससे कन्या रूपी रत्न उत्पन्न होती है। राजा जनक उसको गोद में उठाते हैं, सुसेने की गोद में देते हैं और सतानंद से उसका नाम पूछते हैं। सतानंद के द्वारा उसका नाम सीता रख दिया जाता है। सीता के जन्म के पश्चात उधर अयोध्या में दशरथ तलवार में ऐसे ही मंत्रणा चल रही होती है राज्य के कार्यों के विषय में, तभी विश्वामित्र का प्रवेश होता है। विश्वामित्र का आदर सत्कार करने के बाद महाराज दशरथ उनसे आने का कारण पूछते हैं। महामुनि विश्वामित्र बिना किसी लाग लपेट के राम को मानते हैं, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तपस्वियों की यज्ञ के रक्षा के लिए। लेकिन राजा दशरथ चौथी अवस्था में प्राप्त इन पुत्रों को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि मुनिवर, मैं आपके साथ चलता हूं पूरी सेना लेकर और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता, प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है। कुछ रुष्ट हो जाते हैं विश्वामित्री। तभी कुलगुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि जिनको तुम साधारण पुरुष समझ रहे हो वो साधारण नहीं, भगवान के अवतार हैं और ये जनकल्याण जगत कल्याण के लिए ही आए हुए हैं। वैसे तो विश्वामित्र में खुद इतनी क्षमता है कि वो अस्त्र शस्त्र उठाकर ये बहुत बड़े योद्धा भी हैं। ये राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, इन्होंने अपने योग बल और ऊर्जा के कारण ऋषि ब्रह्मत्व पद प्राप्त किया। ये भी राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन इधर निकल कल्याणार्थ प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए हैं, इसलिए विश्वामित्र इन्हें ले जाना चाहते हैं। महाराज दशरथ मानते हैं। क्षमा याचना के बाद राम लक्ष्मण को उनके साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ औपचारिकताओं के बाद राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ चल देते हैं उनके यज्ञ के रक्षार्थ। जैसे ही ये कुछ दूर पहुंचते हैं, वैसे ही रास्ते में इन्हें तारिका मिल जाती है। पहले तो राम तारिका पे बाण नहीं चलाना चाहते स्त्री होने के कारण, लेकिन विश्वामित्र जी द्वारा ये साक्षात राक्षसी है, इसने सारे वन प्रदेश को उजाड़ के रखा हुआ, ऋषि मुनियों को परेशान करके रखा हुआ है। और उदाहरण देते हैं
कि पूर्व काल में ऐसे ही आतंक के कारण इंद्र ने मंथरा को और विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी को मार डाला था। इसलिए ऐसे अत्याचारियों को मारने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। तत्पश्चात प्रभु श्री राम एक ही बार से उसका संधान करते हैं, उसको यमलोक पधार देते हैं। रास्ते में भले ही यहां पे रामलीला मंचन के दौरान हम इसको एक ही जगह दिखाते हैं, लेकिन तारिकाबद्ध के पश्चात मुनि विश्वामित्र पूर्ण विश्वास हो जाता है कि राम जिन अस्त्रों को मैं देने जा रहा हूं उनके चलाने के योग्य है, संभालने के योग्य है। और विश्वामित्र के द्वारा विष्णु चक्र, ब्रह्मास्त्र, शुष्क और आद्र, विद्युत अस्त्र, मोहनास्त्र, बहुत सारे अस्त्र राम को दे दिए जाते हैं, राम लक्ष्मण को दे दिए। इसके पश्चात वो अपने आश्रम में पहुंचते हैं, सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम में यज्ञ करते हैं, 5 दिनों का यज्ञ पूर्ण हो चुका होता है। 6वें दिन मारीच और सुबाव आके यज्ञ विध्वंस करना चाहते हैं। काफी वाद विवाद के बाद प्रभु श्री राम एक ही बार से मारीच को 400 योजन दूर फेंक देते हैं और बाकी सेना का समस्त संहार कर डालते हैं। यज्ञ की सफलता और जयघोष के बाद राम लक्ष्मण जैसे ही मुनि विश्वामित्र के साथ होते हैं, तभी मिथिलापुरी से राजा जनक का पत्र, जो स्वयंवर के लिए है, विश्वामित्र के बुलावा के लिए बुलावा है। इस बुलावे पे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल देते हैं। रास्ते में अहिल्या की कथा सबको पता है। अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुरी में पहुंचते हैं। अहिल्या जिनके साथ इंद्र ने कपट किया था और उनके पति कश्यप के द्वारा उनको शापित कर दिया गया था, इन्हीं का उद्धार करते हुए जनक के दरबार में पहुंचते हैं। सामान्य परिचय होता है, विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण का परिचय दशरथ जी के पुत्रों के रूप में करवाया जाता है। परिचय होने के बाद इनके आतिथ्य की व्यवस्था, रहने के लिए पुष्प वाटिका में की जाती है। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र की राम लक्ष्मण और विश्वामित्र पुष्प वाटिका में पहुंचने के बाद कुछ क्षणों के बाद मुनि से आज्ञा लेते हैं वाटिका घूमने की और पूजा के लिए फूल लाने के लिए। वहीं गौरी पूजन के लिए सीता अपनी सखियों के साथ पहुंचती है। यहीं दूरदृष्टि से दूरदर्शन इन दोनों का हो जाता है। सीता द्वारा गौरी पूजन किया जाता है। मन जा ही राचो
मिलाई तो वर सहद सुंदर सावर हो। ऐसा कहकर वहीं वो माँ गौरी से राम को पाने की प्रार्थना करते हैं। आज की रामलीला का मंचन यहीं तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेपथ्य शाला में जब तक लोग मंच पे आते हैं तब तक मैं मुनि विश्वामित्र के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। मुनि विश्वामित्र विश्वा के पुत्र कुश, कुश के चार पुत्र हुए थे, उनमें से एक पुत्र कुशनाभ थे। कुशनाभ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, उनके पुत्र हुए गाधी और गाधी के पुत्र हुए विश्वरथ। विश्वरथ राजकुमार थे लेकिन अपनी अपार ऊर्जा के कारण ये मुनि श्रेष्ठ बने और पूजनीय बने। इनमें कुछ बहुत सारी विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं के कारण अपार ऊर्जा के कारण ये बार बार ऋषित्व पद को प्राप्त करते रहे। कितनी बार छह विवाह, वशिष्ठ जी से इनका युद्ध चला, इनकी माता और बहन सत्यवती ने ऋषिक मुनि से एक अभिमंत्रित चक्र प्राप्त किया था। दोनों ने पुत्र कामना के लिए, लेकिन किसी कारणवश यह अंता बदली हो गया और विश्वामित्र के 100 पुत्र हो गए। ये 100 के 100 पुत्र वशिष्ठ जी से युद्ध में मारे जाते हैं। फिर विश्वामित्र पुनः उठते हैं, शिव की तपस्या करते हैं और उनसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेते हैं। तब जाके विश्वामित्र और वशिष्ठ में सुलह होती है और आज विश्वामित्र इनकी ऊर्जा तेज और सब का सम्मान करते हुए इनको पूर्ण आदर देते हैं और ब्रह्म ऋषि कहते हैं। विष्णु पुराण के आधार पर यह कथा मैंने सुना दी है सत्यवती वाली। आप समस्त लोगों के इच्छानुरूप, मैं पिछले वर्ष की बात ही इस सूत्रधार के कार्य को लंबा न खींचते हुए बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, इसके लिए फिर भी यदि कुछ वक्त लग रहा है तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि ये परंपरा है। वैसे तो आजकल मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे माध्यमों से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो हमसे हजारों गुना ज्यादा जानते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जो उन कलाकारों से भी बड़े हैं, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। एक बार पुनः कसूर्य प्रभु वंश प्रचालप विषयामिति तिथि सुदुस्तरम मोहात उज्जुबै नास्ति सकरा। एक बार पुनः बोलो श्याम रामचंद्र की। धन्यवाद श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी, आपने बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धन प्रसंगों के माध्यम से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कोरस की बालिकाओं को।
बहुत सुंदर प्रस्तुति इन नन्ही बालिकाओं द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। मेरा आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि जो भी कलाकार यहाँ पर अपनी कला प्रस्तुत करते हैं, आप उनके उत्साहवर्धन हेतु जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अब आज की लीला को आगे बढ़ाते हुए मैं बंद कोरस के लिए कमेटी के समस्त सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि बंद कोरस का कार्यक्रम यहां पर संपादित करने का कष्ट करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Yeah.
हेलो मंत्री जी, कहिए मेरे राज्य की प्रजा सुखपूर्वक जीवन बसर तो करती है? महाराज दीर्घायु हो। हे महाराज, जहाँ आप जैसे धर्मज्ञ राजा का राज हो, आखिर वहां दुखों का क्या काम? उन्हें आदर सहित दरबार में ले आइए। धोखी भी लगी साहब जी। महाराज प्रणाम। महाराज रक्षा कीजिए, प्रखर जी पानी नहीं होल क्या ही यो तुलसी मटा तक पानी रहे हैं होई हुई तो सब पांग कुगले पांग पड़ी सब यो जक्का पी तक करी दुखु दू और थोड़ा बहुत कब पानी खोल भी दोना हुई तो वो पांग चार दोना होल क्या अब तुमने जकार महाराज क्या ही कर तुम। हाय मेरी दीन प्रजा, हाय मेरी दीनहीन प्रजा, तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जाता है। महाराज गुरुदेव, इस समस्या से निपटने का कोई उपाय है? ठीक है महाराज, देखते हैं। और महाराज निश्चित सारी बड़ी दिशाएं राजन, इस वर्ष वर्षा के आसार कुछ प्रतिकूल नजर आते हैं।
इसका एकमात्र उपाय है राजा और रानी दोनों मिलकर सोने का हल चलाएं। गुरुदेव, यदि हमारे हल चलाने से जनता का कष्ट दूर होता है तो हम अवश्य हल चलाएंगे। मंत्री जी, यथाशीघ्र सोने का हल तैयार करवाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाके सोने का हल तैयार करवा के लाता। अरे हो जाए हो महाराज, लेकिन पांच हुई हो जाए बोल दो। हाँ,
मुझको देव कन्या का क्या दर्शन है, शुभ है। गुरुदेव, इस कन्या का क्या नाम रखना चाहिए? राजन, इस कन्या का जो हल की लकीर से पैदा हुआ है, इसलिए इसके नाम से इसका नाम सीता रखा गया। धन्य है गुरुदेव आप, धन्य है। कितना सुंदर नाम रखा आपने, कितना सुंदर नाम, सीता सीता। हाँ, कितना प्यारा नाम सीता। बोल जनक जननी सीता माता की। महाराज, उधर आकाश में बादल उमड़ उमड़ कर आने लगे, लगता है जल की प्रजा का दुख समाप्त हो सकेगा। चलिए सब साफ करते हैं। जो आज्ञा महाराज। वो भी शोरत कर दिया भाई, डॉलर हो लगे ना थोड़ी हुई है।
कल्याणानां निधानं कलिबलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यं मोक्षो सपदि परः प्राप्तये प्रस्थितस्ये विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः नारायण जिनके हृदय में नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे न करे राजा दशरथ को ये संदेश दे दें कि विश्वामित्र उनसे मिलने आए हैं। गुरु विश्वामित्र जी को आदर पूर्वक दरबार में बुलाते जा रहे यावत् गंगा हरिहर धरा व्योम सोपान मार्गे यावत् गंगा हरिहर धरा व्योम सोपान मार्गे यावत् गौरी दहन पवनो सागरे यावदंबे यावत् पिनाके हरितनु कमला वेद सिद्धांत वाणी यावत् राज्यो भवति भवतां निश्चला दीर्घमायु राजन तेजस्वी भव आयुष्मान Thank you.
हे राजन, प्रसन्न महते मुझे रघुनाथ के साथ इनके अनुज लक्ष्मण को देने की कृपा करें, क्योंकि वन में असुर मुझे और मेरे साथी ऋषियों को बहुत परेशान कर रहे हैं।
कैसी बात कही। चौथी अवस्था में मैंने इन पुत्रों को पाया है, आप मन ही मन समझो कि मैं कैसे प्राणों से विचार अपने राम और लक्ष्मण को आपको दे दूं। गाय धन और कोष समस्त मांग लीजिए, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। मैं अपने प्राणों से भी देह प्राणों से भी प्यारी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है, मैं उसे भी सर्वस्व आपको एक क्षण में देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज तुम्हारी।
आप पृथ्वी धन धन कोष जो भी है मेरा राजपाट पूरा मांग लीजिए, पर मुझे अपना राम को देना मंजूर नहीं है। और अभी राम जो है केवल 16 वर्ष का, यह वन में राक्षसों को मारने का भार नहीं संभाल सकता। चिंता करते हैं, ये स्वयं देवों में देव है, इन्हें किसी से कोई भी कष्ट नहीं है। हे राजन, आप मन में कभी भी संशय न करें, ये नर रूपी वानर, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है और पृथ्वी का भार कम करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। हे राजन, यदि आपको इन बालकों पे इतना ही मोह था तो पहले क्यों ये वचन दिया? ये वशिष्ठ जी का कथन सत्य है, आप निर्मोह होकर राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दें। हे मुनिवर, क्षमा कीजिए, मैं मोह और भ्रम में फंस गया था, मैं आपके ज्ञान देश से मेरा भ्रम दूर हो गया, आप शौक से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ रक्षा के लिए वन में ले जाओ और इनकी शिक्षा और दीक्षा का सारा भार मैं आपको सौंपता हूँ। कल्याण।
जाकर उनकी यज्ञ की रक्षा करना और पिता तुल्य जो महर्षि हैं आप उनकी सेवा करना। जो आज्ञा पिता आयुष्मान आयुष्मान प्रणाम पिताश्री प्रणाम चिरजीवी भाव। यही है कर्म दालों का
Om Swaha.
स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा Yeah.
तारिका है जो कि यहां वन से आने जाने वाले पथिकों के प्राण हर लेती है और यहां पर यज्ञ करने वाले ऋषियों को व्यवधान पहुंचाती है। इससे तो धर्म भी जाएगा और अपेस भी मिलेगा। Thank you.
फिरा की मीनार हे रामा फिरा की मीनार कहो रघु हे राम। यह एक तारिका राक्षसी है जो कि पुरुषों से भी तुलना नहीं की जा सकती है। अपने अस्त्र उठाओ और जल्दी से इसका वध करो। बलि भगिनी सूर्यपति हनी, बलि भगिनी सूर्यपति हनी, भृगु पत्नी हरिया। बलि भगिनी सूर्यपति हनी, भृगु पत्नी हरिया, जो कुपंत पगु धरत है हे राम, जो कुपंत पगु धरत है तिन्हें बधे नहीं कोई पाप, तिन्हें बधे नहीं कोई पाप। आहा, आज मुझे मनचा भोजन मिल गया। खड़े रहो thank you।
बिल्कुल हा 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 बजाओ लगता है मारिच और सुबाहु राक्षसगण हमारा यज्ञ में विध्वंस करने आ रहे हैं, शीघ्र इनका वध करो। जो आज्ञा गुरु है विजयी हो। अरे बूढ़े ब्राह्मण देवी से रिटायर होके यहाँ सहा सहा करता है। बिल्कुल जाएगा एक नारी को मार कर, एक नारी को मार कर अकड़ रहा रणवीर, अकड़ रहा रणवीर बच कर जाए का कहा, बच कर जाए
वाह भ्राता, क्यों ज्यादा बक बक करे कर जवान को बन। अच्छा वाला, क्यों ज्यादा बक बक करे कर जवान को बन। मातो तीर चला चुकी अब आया फर्जन। फर्जन बोलता है दाता बाहू, ध्यान रहे जी दाता। बिल्कुल किए सुर मुनि ज्ञानी, बहुत दुखित किए सुर मुनि ज्ञानी। अब सत छोड़ जियन की आशा, अब सत छोड़ जियन की आशा, अब सत छोड़ जियन की आशा। बहुत दियो मुनियन को त्रासा, बहुत दियो मुनियन को त्रासा। जैसे हम बालक हैं भाई,
से हम बालक है भाई, देखिया भाई तो ही परम दिखाई, देखिया भाई तो ही परम दिखाई, अतिथि छड़ है बाढ़ हमारे, अतिथि छड़ है बाढ़ हमारे, अतिथि छड़ है बाढ़ हमारे, लागत प्राण न रही तुम्हारे, लागत प्राण न रही तुम्हारे। प्राण नहीं रहे तुम्हारे तो आज जी भ्राता पीछे से आओ पीछे से। अगला साल देख लो, अगले साल से साल के अगले साल कमर पिड़ा हुई हो
शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त राम भक्तों का नंदा धाम रामला कमेटी नौटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर द्वितीय दिवसीय रामला मंचन के शुभ अवसर पर हमारे दानी दाताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अपनी भेंट अर्पित की है। उनके नाम इस प्रकार हैं, 251 रुपया श्री मुकेश नौटियाल ग्राम नौटी मल्लखला वालों ने सपरिवार नाम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्री विजय प्रसाद कैलथोरा ग्राम नौटी मैठाणा वालों ने सपरिवार नाम भेंट अर्पित की है। 251 रुपया श्री मती चंद्रकला मैठाणी ग्राम मैठाणा ने अपने स्वर्गीय पति बसंत बल्लभ मैठाणी की पुण्य स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 511 रुपया श्री बीरेन सिंह रावत ग्राम नौटी नोघर वालों ने सपरिवार नाम भेंट अर्पित की है। 501 रुपया श्री विनोद नौटियाल ग्राम नौटी मल्लाखला ने अपने पिता स्वर्गीय राम प्रसाद नौटियाल एवं माता स्वर्गीय कमला देवी की पुण्य स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री संजय कुमार ग्राम नौटी ने अपने पुत्र सुमित कुमार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्रीमती प्योनी देवी ग्राम नौटी ने अपने पति स्वर्गीय सेकंतोलाल की पुण्य स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री अतुल नौटियाल ग्राम नौटी कोठा वितरने वालों ने अपने दादा स्वर्गीय वाचस्पति नौटियाल की पुण्य स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 251 रुपया श्री हरिश्चंद नैनवाल पुत्र स्वर्गीय भगवती प्रसाद नैनवाल ग्राम नैनी वालों ने सपरिवार राम हनुमान भेंट अर्पित की है। यहाँ पर कुछ दानी दाताओं ने हमारे पात्रों के अच्छे अभिनय पर उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान की है। उनके नाम इस प्रकार हैं, 50 रुपया श्री हेमंत खंडूड़ी जल संस्थान नौटी ने रावण के पात्र के अच्छे अभिनय पर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया है। श्री अरविंद नौटियाल ग्राम नौटी जो आर्मी में कर्नल हैं और अभी हाल देहरादून में जोगीवाला में निवास करते हैं ने 200 रुपया रावण के पात्र के अच्छे अभिनय पर, 200 रुपया कुंभकर्ण के पात्र के अच्छे अभिनय पर, 200 रुपया विभीषण के पात्र के अच्छे अभिनय पर और 100 रुपया कौरस की बालिकाओं के अच्छे अभिनय पर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया है। श्री मोहन प्रसाद नौटियाल ग्राम नौटी मल्लखला वालों ने 100 रुपया रावण के पात्र के अच्छे अभिनय पर, 100 रुपया दशरथ के अच्छे पात्र के अच्छे अभिनय पर, 100 रुपया जनक के पात्र के अच्छे अभिनय पर, 100 रुपया विश्वामित्र के पात्र के अच्छे अभिनय पर, 100 रुपया ताड़िका के पात्र के अच्छे अभिनय पर और 100 रुपया कौरस की बालिकाओं के अच्छे अभिनय पर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया है। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से जिन दानीदाताओं ने प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अपनी भेंट अर्पित की है उनके सुखद आरोग्य जीवन की कामना करता हूँ। जिन्होंने अपने पितरों की मोक्ष कामना के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अपनी भेंट अर्पित की है मैं उनके पितरों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जिन्होंने हमारे पात्रों के अच्छे अभिनय पर यहाँ पर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया है उन्हें भी भगवान श्री राम से आरोग्य जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।
राम इस संदेश को पढ़िए। जो आप क्या कर रहे हैं स्वस्ति श्री महाराज जी हूँ तुम्हारे आधीन स्वस्ति श्री महाराज जी हूँ तुम्हारे आधीन यज्ञ में आई के कराऊं कृपा लव सविनय निवेदन है कि अश्विनी शुक्ल द्वितीय मेघ लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी सौभाग्यवती पुत्री सीता के विवाह धनुष यज्ञ महोत्सव होना निश्चित हुआ है। कृपया आप भी ऋषिगणों सहित मेरा निमंत्रण स्वीकार कर उत्सव की शोभा बढ़ाने की अनुकंपा करेंगे। प्रार्थी जनक नंदन जनक नरेश मिथिलापुरी। राम ही हो
राम मिथिला नरेश की पुत्री सीता का स्वयंवर है। तुम दोनों भ्राता भी मेरे साथ स्वयंवर की शोभा बढ़ाने चलो। जो आप क्या करो भाई कल्याण। प्रतीत होता है, कृपा करके इसकी कथा विस्तार से समझाइए। Hey, Ram, 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 Ram
गौतम नारी श्राप वस मेरा गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहती हेरा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर हेरा कृपा करो रघुवीर हे राम यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो कि गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण शिला बन गई है यह वर्षों से आपके चरण रज की धूल पाने की लालसा में यहां पर बिछी हुई है कृपया इसका उद्धार कीजिए Thank you.
प्रणाम ऋषिवर। विजयी भव। प्रणाम राजन। चिरंजीव रहो पुत्रो। यावत् गंगा हरिहर धरा व्योम सोपान मार्गे, यावत् गंगा हरिहर धरा व्योम सोपान मार्गे, यावत् गौरी दहन पमनो सागरे यावदंबे, यावत् पिनाके हरितनु कमला वेद सिद्धांत वाणी, यावत् राज्यो भवति भवतां निश्चला दीर्घमायु। कीर्ति रस्तु चिरंजीव रस्तु राजे। आहा, कितने सुंदर बालक हैं। धन्य है मिथिलापुरी आज जो आप यहां पर आए। ये दो बालक काके मुनी, ये दो बालक काके मुनी जी तुम संग बालक काके मुनी जी तुम संग बालक काके मुनी जी नगर में
की। ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम लखन दो बंधुवर, राम लखन दो बंधुवर, रूप सील गुण धारा, रूप सील बल धारा, सब साधु जन मखरा के ओ सब साधु जन, जीते असुर संग्राम, जीते असुर संग्राम। परम कृपा मुनिवर करी, परम कृपा मुनिवर
द्वारपाल महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को महल में रहने की उचित व्यवस्था की जाए। Ah.
अवश्य राम। जाई देखिया वो नगरू, जाई देखिया वो नगरू, सुख निधान दो भाई। हे राम, जाई देखिया वो नगरू, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। शहर से जाओ और दोनों भाई नगर में घूम आओ, और पूजा के हेतु कुछ पुष्प भी ले आना। जो आज्ञा करो वह प्रणाम करो। है दुई से
सोहत बाग तड़ाग सभी सुखकारी सभी सुखकारी
हे भ्राता काराता प्राका सूफी राई पुलावा यह कोई देव कन्या नहीं, राजा जनक की पुत्री सीता है। यह वही कन्या है जिसके कारण धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भ्राता लक्ष्मण की अलौकिक शोभा देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया, परंतु हे भ्राता लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शुभ होने वाला है। भ्राता जी, मेरी सम्मति में यहाँ रुकना अधिक ठीक नहीं है। गुरुवर वेट कर गुरुवर प्रतीक्षा करते होंगे। हाँ भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारा कहना उचित है, चलो चले। देवता सुतिय महु मातु प्रथम तब रे पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तब रे महिमा अमित न सकई कहीं सहस शारदासे सदा सुति सारा
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, तुम्हें वही वर मिलेगा। मनुजा हीरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण तिलक चारुदा विभूषण राम जित कर दूषण इते भद तुलसी भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो वीर जी लक्ष्मण की जय। बोलो जनक जननी सीता माता जी की जय।